आपको कुरकुरे चटपटे और टेस्टी करेले बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में जितने ज्यादा टेस्टी लगते हैं इसे बनाना उतना ही आसान है और झटपट बन के भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। करेले बनाने के लिए ये हमने छोटे साइज के 500 ग्राम करेले लिए हैं। इन करेलों को हमने धो करके पोंछ लिया है। हमने छोटे साइज के लिए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज के भी करेले ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले करेलों को काट लेते हैं। हमने एक करेला लिया है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम काट देते और पीछे वाले पोर्शन को भी। अब करेले को हम दो भागों में पहले काट लेते हैं। और करेले के अंदर जो बीज है उनको हम निकाल देते हैं। हमें बीजों को इस तरीके से निकालना है। देखिए ये हमने करेले में से बीज निकाल दिए हैं, अब दूसरे वाले में से भी निकाल देते हैं। अगर करेले के अंदर कच्चे बीज हैं तो आप इन करेलों को बिना बीज निकाले भी बना सकते हैं। ये थोड़े से पक्के वाले बीज हैं इसीलिए हम इसे निकाल रहे हैं। देखिए ये हमने दोनों में से एक बीज निकाल दिए हैं। अब हम एक करेला ले लेते हैं और इस करेले को हम इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा काट लेते हैं। और इसे भी हम काट लेते हैं। देखिए ये हमने करेलों को काट लिया। इस तरह हम सभी करेले काट के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी करेलों को काट लिया है। अब जो हमने करेले काटे थे वो हम इस प्लेट में डाल देते हैं। अब जो करेलों के अंदर कड़वापन होता है उसे कम करने के लिए अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। आधी टी स्पून हल्दी पाउडर। अब सभी चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि जो हमने नमक और हल्दी डाली है वो करेले में अच्छे से लग जाए। इस तरीके से जब हम नमक और हल्दी डालते हैं तो करेलों का जो कड़वापन होता है काफी हद तक कम हो जाता है। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप करेलों के अंदर जो कड़वापन होता है उसे कम करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने हल्दी और नमक करेलों में अच्छे से लगा दिया है। अब करेलों को आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आधा घंटा करीब हो गया है, देखिए करेलों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब जो करेले के अंदर पानी है उसे हम हाथ से इस तरीके से दबाते हुए इसका पानी निकाल देते हैं। हमें इसे अच्छे से दबाते हुए निकालना है जिससे कि करेले के अंदर जितनी भी करवाहट है वो निकल जाए। ये हमने करेले में से पानी निकाल दिया है। अब करेलों को हम इस बॉल में डाल देते हैं। इस तरह हम सभी करेले में से पानी निकाल लेंगे। ये हमने सभी करेलों में से पानी निकाल दिया है। देखिए करेले के अंदर कितना सारा पानी निकला है, इसका मतलब करेले के अंदर जो करवाट थी वो काफी हद तक निकल गई है। आप चाहें तो इस पानी को फेंक भी सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके पी भी सकते हैं, लेकिन ये पानी जो होता है काफी कड़वा होता है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आप इस पानी का कैसे यूज करते हैं। अब इन करेलों को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर हम मसाले मिक्स करेंगे। मसाले में आधी टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे करेले के अंदर कलर अच्छा आएगा। और ये मिर्च थोड़ी सी कम तीखी भी होती है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसके अंदर 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। आप इसकी जगह चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी मसालों को हम मिक्स कर देते हैं। अब ये सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब करेलों को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। आप चावल के आटे की जगह अरारोट या कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच बेसन। अब दोनों चीजों को करेले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं जिससे कि इन दोनों की कोटिंग करेले के ऊपर अच्छे से हो जाए। हमें करेलों के ऊपर अच्छी सी कोटिंग चाहिए, तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क देते हैं।
जिससे जो हमने चावल का आटा और बेसन डाला है वो अच्छे से करेले के ऊपर चिपक जाए। और करेलों को मिक्स कर लेते हैं। अभी मुझे इसके अंदर चावल का आटा और बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है। अब इसके अंदर एक बड़ी चम्मच चावल का आटा डाल देते, एक बड़ा चम्मच बेसन और दोबारा से हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी और छिड़क देते हैं। अब हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि चावल और बेसन की कोटिंग करेले के ऊपर अच्छे से हो जाएगी। देखिए करेलों के ऊपर चावल और बेसन की कोटिंग अच्छे से हो गई है। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इधर हमने कढ़ाई में करेलों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये ऑयल गरम हो गया है, हमें इन्हें फ्राई करने के लिए तेज गरम ऑयल चाहिए। अब हम थोड़े से करेले कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इन करेलों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसके बाद हम इनको पलटेंगे। हमने करेलों को फ्राई करने के लिए सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ऑयल में इन करेलों को फ्राई कर सकते हैं। अब ये करेले भी हल्के गोल्डन कलर के हो गए, इन्हें हम पलट देते हैं। हम करेलों को इसी तरीके से उलट पलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब ये करेले फ्राई हो गए और क्रिस्पी भी हो गए और इनके ऊपर अच्छे सा कलर भी आ गया है। अब हम करेलों को निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं, इन्हें हम चलनी में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम और करेले डाल देते हैं। हमें इस तरीके से करेलों को खोलते हुए कढ़ाई में डालना है। अब इनको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। अब ये करेले भी फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेते। इस तरीके से हम सभी करेलों को फ्राई कर लेंगे। ये हमने सभी करेलों को फ्राई कर लिया है। देखिए कितने क्रिस्पी करेले बनके तैयार हुए। अब इन करेलों को हम और भी ज्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसालों में हम थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च डाल देते। आप चाहे तो बिना मसाले के भी इनको खा सकते, तब भी ये खाने में टेस्टी लगेंगे। अब इसके अंदर आधी टीस्पून चाट मसाला डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। हमने नमक का इस्तेमाल पहले भी किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप नमक का यूज करें। अगर आप कम नमक खाते हैं तो नमक को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी मसालों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितने चटपटे और टेस्टी करेले बनके तैयार हुए हैं। मैंने आपको जिस तरीके से करेले बनाना बताया है, अगर आप उस तरीके से करेले बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप इसे स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं और ये करेले खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर करके रख लें और जब भी आपको खाने आप निकाल करके खा सकते हैं। ये आराम से 8 से 10 दिन चल जाते हैं। आप इन करेलों को सफ़र पर भी बना करके ले जा सकते हैं। जब हम सफ़र पर जाते हैं तो हम सब्जी बना के ले जाते हैं तो सब्जी अधिकतर ख़राब हो जाती है। अगर हम इन करेलों को बना के ले के जाएंगे तो ये करेले काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और इससे आप खाना भी खा सकते हैं आराम से। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि ये करेले आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। तो अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।